हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबके मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा क्षेत्रमिति के कुछ टॉपिक जो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से रिलेटेड मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा जो आपको मैं एक सेकेंड में आज ही मैं आपको याद करवा दूंगा, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपको आपको मैं आज सोल्व करवा कर दिखा दूंगा फ्रेंड्स। तो सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करें। देखिए यहाँ है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को इंग्लिश में कहते हैं, रेक्टेंगल जो है वो इंग्लिश शब्द है, इसे हिंदी में कहते हैं आयत। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये जो है एक रेक्टेंगल है, ये फिगर जो है आपका ये रेक्टेंगल है, और इसका जो है आपका ये लंबाई है और ये चौड़ाई बी है और ये एल है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है एल बी, यानी कि लंबाई गुनी चौड़ाई। आपको सिर्फ रेक्टेंगल में एल बी याद रखना है, उससे ही आपका पूरा फॉर्मूला जो है बन जाएगा। तो यहाँ देखिए एल और बी, एल बी अपने दिमाग में आप स्टोर कर लीजिए, और एल बी माने होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, जो कि रेक्टेंगल का क्षेत्रफल हो गया। रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल होगा एल इंटू बी, आप इसे याद रखिए। और देखिए ये L हो गया और ये B हो गया, तो यही जो है रेक्टेंगल का एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा। और यहाँ देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो इसे कैसे बनाएंगे, ये देखिए पेरीमीटर, पेरीमीटर का हिंदी होता है परिमिति। इसका जो चारों जो घेरा है उसको जो माप कर जितना आएगा वही इसका रेक्टेंगल का परिमिति पेरीमीटर होगा, परिमिति। ये देखिए ये L है और ये B, इधर जितना होगा L वही इधर भी L ही है, ये इतना B है तो यहाँ भी B है, इसका जो पूरा घेरा जो हो गया L B। तो यहाँ पर हम या तो ऐसे कर सकते हैं L प्लस B प्लस L प्लस B, ऐसे भी करके हम इसका परिमिति निकाल सकते हैं यानी कि पेरीमीटर, चाहे हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि L प्लस B और इंटू दो से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि इसका दुगुना कर देंगे, तो ये भी इसका पेरीमीटर निकल गया। और आइए आगे देखते हैं सी एस ए, ये जो था रेक्टेंगल, वो ये रेक्टेंगल था और इसका मान लीजिए अगर रेक्टेंगल का रहेगा बक पृष्ठ, रेक्टेंगल का जो है अब इसका थ्री डी पिक्चर, रेक्टेंगल का ही थ्री डी पिक्चर होता है, रेक्टेंगल का ही थ्री डी पिक्चर होता है क्यूब, जिसे इंग्लिश में क्यूबाइड कहते हैं, इसके कहते हैं घनाभ। तो मान लीजिए हम एक घनावा कर कोई वस्तु ले, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक माचिस है, माचिस का जो डिब्बा है इसका इधर हो गया L, इधर हो गया B, ये देखिए 3D है, माचिस का जो डिब्बा है ये एक 3D है, इसका ये हो गया L, इधर हो गया B, ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, देखिए 3D पिक्चर है, तो इसका जो होगा वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ यानी कि चारों चारों ओर का जो है साइड, तो ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड, इसका जो चारों ओर का जो साइड होगा वही रेक्टेंगल का क्यूबाइड का जो होगा वक्र पृष्ठ होगा। तो देखिए जैसे कि ये घेरा एल बी, इधर का घेरा, इसका चारों ओर का जो घेरा होगा वही इसका वक्र पृष्ठ होगा, तो वह कैसे होगा, देखिए टू इंटू एल बी, ये देखिए टू इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर याद रखिए, उस पर सिर्फ आप एच को जोड़ दीजिए, हाइट सिर्फ हाइट जोड़ दीजिएगा, तो इसका जो है रेक्टेंगल का, सॉरी फ्रेंड्स रेक्टेंगल नहीं क्यूबाइड का जो है थ्री डी पिक्चर है, तो इसका जो है क्यूबाइड का आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा, जैसे कि टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच कर दीजिएगा, तो यह घनाभ का जो है वक्र पृष्ठ आ जाएगा सी एस ए, क्यूबाइड सरफेस एरिया। अब आगे आते हैं फ्रेंड्स टी एस ए, यानी कि टोटल साइड एरिया माने कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र जो घनाभ है उसका जो कुल क्षेत्रफल जो होगा वो होगा क्या, कुल क्षेत्रफल। अभी हम वक्र पृष्ठ की बात किए थे, तो वक्र पृष्ठ में चारों साइड का जो होगा जितना होगा वो इसका वक्र पृष्ठ होगा, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में इसका ये चारों साइड और ऊपर का भाग और नीचे का पेंदी, ये सब जो होगा इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में जो है क्या करेंगे, ये एल बी, ये L हो गया और ये B हो गया और ये H हो गया, ये जो है बीच वाला भाग ये H है यहाँ पर,
तो इसमें क्या है, ये वाला हम इसको जोड़ देंगे, इसे इसके पीछे, इसके ठीक इधर जितना है, इसके ठीक अपोजिट पीछे भी उतना ही है, इधर जितना है इसके अपोजिट इतना है, ऊपर जितना है उतना नीचे ही है। तो इसमें कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं, कितने साइड है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। घनाभ में है 6 साइड बनते हैं, तो आगे उसके पीछे इधर इधर और ऊपर नीचे। तो इसका जो होगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल CSTSA टोटल साइड एरिया, तो यहाँ LBH, तो इसका क्या होगा, इधर का हो गया LB। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है L इधर होगा, इसके L और B, इसके ठीक अपोजिट पीछे भी LB होगा, यहाँ पर H है, इसके ठीक अपोजिट पीछे भी H है, ऊपर जितना है इसके ठीक नीचे भी उतना ही, जैसे कि यहाँ ऊपर जितना है ना, ऊपर एक रेक्टेंगल बना, जितना ऊपर होगा उतना नीचे भी होगा। तो यहाँ पर उससे निकालने के लिए TSA टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका क्या फॉर्मूला है, 2 × यहाँ पर दो दो बन रहा है, तो दो दो नहीं जो सके, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 गुना कर सकते हैं। जैसे LB लंबाई गुने चौड़ाई, BH चौड़ाई गुने ऊंचाई, जोड़ HL ऊंचाई गुने लंबाई, तो यहाँ पर 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका 2 गुना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा TSA कुल पृष्ठ कुल क्षेत्रफल। घनाभ का जो कुल क्षेत्रफल होगा TSA टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होगा 2 × LB + BH + HL + BH + HL हो जाएगा। ये देखिए 2 × L × B + B × H + H × L, ये जो हो जाएगा आपका TSA कुल क्षेत्रफल जो हो जाएगा, घनाभ का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसका आयतन मान लीजिए कोई घनावाकार है, जैसे कि ये जी है घनावाकार है, इसके अंदर कितना सारे तीली अड़ सकते हैं उसे हम कैसे निकालेंगे, तो ये आपको घनाभ का जो है आयतन निकालेंगे तो उसमें कितना वस्तु अड़ सकता है, कितना चीज अड़ सकता है, उसका कितना कैपेसिटी है अटाने का, उसके अंदर कितना जो है जगह है, उसे हम उसके वॉल्यूम से नापेंगे। तो यहाँ है LBH, आपको कुछ नहीं करना है, चलिए मैं H मिटा देता हूँ, आपको सिर्फ दिमाग रखना है L और B, और इसमें हाइट जोड़ दीजिए LBH, हो गया इसका आयतन, और कुछ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स आइए इसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या करा है, किसी आयताकार दीवार, तो मान लीजिए ये कि कोई आयताकार दीवार है, क्या करा है, कोई आयताकार दीवार की लंबाई, आयताकार दीवार की लंबाई ये L हो गया, लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो यहां 4 लिख देंगे। करा है किसी आयताकार दीवार की जो है लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 6 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया चौड़ाई B 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फ्रेंड्स कि किसी आयताकार दीवार की लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया क्या होगा फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया था कि एक टेंगल से आपको दो चीज याद करनी है, L और B, तो ये हो गया L और B, यानी कि L इंटू B लंबाई गुणे चौड़ाई जो होता है रेक्टेंगल का क्षेत्रफल ही होता है। फ्रेंड्स देखिए L कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर, B कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 6 × 24 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया फ्रेंड्स, तो आइए सेकेंड क्वेश्चन के लिए चलते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्या कहा है, किसी आयताकार खेत की परिमिति, किसी आयताकार खेत की परिमिति ज्ञात करें जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तो पहले हम फ्रेंड्स क्वेश्चन को देखेंगे, तो क्या कहा है, किसी खेत है आयताकार खेत है, मान लीजिए कि ये एक आयताकार खेत है, क्या हो गया कोई आयताकार खेत है, कड़ा है कि उसके लंबाई जो है आप जानते हैं कि लंबाई ये है, यानी कि L 8 सेंटीमीटर है और B ब्रीथ यानी कि चौड़ाई कितना है 2 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि कोई आयताकार खेत की
लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो क्या कह रहा है हमारा कि इसका परिमिति ज्ञात करें। परिमिति यानी कि इसका घेरा, यहाँ से इतना कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यानी इसका बाउंड्री। और इसे हम इसे कहते हैं पगडंडी, यानी कि डरेरी जो होता है ना, खेत का जो डरेर होता है उसी को कह रहा है कि परिमिति उसका निकालने के लिए कि कोई खेत जो है 8 सेंटीमीटर लंबा है और 2 सेंटीमीटर चौड़ा है तो उसका परिमिति यानी कि उसका घेरा ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए क्या है फ्रेंड कि आप जानते ही हैं इसका जो फॉर्मूला होगा 2 × n + b। 2 × n + b हमने की दिया क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने आपको बता दिया था फॉर्मूला 2 × n + b क्यों हुआ। तो यहाँ क्या करेंगे 2 × n कितना है 8 है प्लस बी कितना है 2 है। इसे हम कर देंगे क्या 8 × 2 = 10 × 2 तो क्या इतना हो गया 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका पूरा परिमिति हो जाएगा यानी कि पेरीमीटर, इसका पूरा घेरा। तो खेत का जो पूरा घेरा होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। अब फॉर्मूला आप सिर्फ एल और बी को याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, आपका पूरा जो है किसी प्रकार का क्वेश्चन जो है वो यू सॉल्व हो जाएगा 2 मिनट में 2 सेकेंड में। तो फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्या कह रहा है किसी घनाभा का, तो घनाभा का आप समझ रहे हैं कि आयताकार जो होगा उसका 3D पिक्चर जो होगा वो घनाभाकार होगा। जैसे कि मैंने आपको एक माचिस के डिब्बे की जो है एग्जांपल दिया था, तो वही जो घनाभाकार डिब्बा, तो ये क्या कह रहा है किसी घनाभाकार डिब्बे की लंबाई यानी कि एल 5 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई यानी कि उसका हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद करें यानी कि CSA क्यूबॉइड सरफेस एरिया, सब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद करें। तो मान लीजिए कि ये कोई घनाभाकार डिब्बा है, ये घनाभाकार डिब्बा बनाते हैं, मान लीजिए कि कोई ये जो है एक घनाभाकार डिब्बा है, ये जो है हमारा घनाभाकार डिब्बा है, तो क्या करें इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, माने इसका चारों साइड, ये साइड इसके पिछले वाला और इसके इधर वाला ऊपर और नीचे का छोड़ के जो है इसका चारों साइड जो होगा उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो कह रहा है कि उसे हमको ज्ञात करना है जिसकी जो है लंबाई कितना है एल 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई ये है यानी कि बी बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर और इसका जो है एच जो है ये वाला ये कितना है 2 सेंटीमीटर। तो इसका जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए यानी कि CAS क्यूबॉइड सरफेस एरिया। तो क्या होगा इसका, आपको मैंने पहले फॉर्मूला आपको बता चुका है, तो इसलिए इसका जो होगा 2 × l + b। एल प्लस बी जो इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, तो इसमें सिर्फ हम एच जोड़ देंगे तो क्यूबॉइड का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एरिया हो जाएगा CSA। तो इसे हम सॉल्व करिए 2 × 1 कितना है, एल कितना है, एल है 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर करेंगे, बी कितना है, बी है 3 सेंटीमीटर तो 3 सेंटीमीटर करेंगे, और इंटू में एच कितना है हमारा हाइट, हाइट 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर भी देंगे। उसका चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2, अब इसको बीच वाला इसको ऐड करेंगे तो 5 और 3 कितना जाएगा 8 और इधर 2 सेंटीमीटर है, इसको लिख दीजिए 2 × 8 × 2, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है इस डिब्बे का जो वक्र पृष्ठ माने कि चारों ओर का जो है एरिया वो कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो डिब्बे का जो है दोनों तरफ का जो है चारों तरफ का माने कि क्षेत्रफल जो होगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आइए फ्रेंड्स चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है, तो क्या कह रहा है यहाँ पर किसी घनाभाकार यानी किसी घनाभाकार बक्से, किसी घनाभाकार बक्से की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। अब आपके घर में तो बक्सा जरूर ही होगा यानी कि सूटकेस,
अब मान लीजिए हमें जानना होगा कि उस शीट सूटकेस कितना, उसका कितना मतलब कैपेसिटी है, कितना बड़ा है, कुल क्षेत्रफल उसका क्या है, तो कैसे हम नापेंगे? तो हम क्या करेंगे, उसका पहले हम लंबाई जान लेंगे, चौड़ाई जान लेंगे, ऊंचाई जान लेंगे और उसका फॉर्मूला पृथ्वी पर बैठा के एक मिनट में हम उसका नाप लेंगे। तो फिर क्या है, किसी घनाभाकार बक्से की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें या पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, कुछ भी कर सकते हैं। टी एस ए यानी कि टोटल सरफेस एरिया, यानी कि चारों इसका साइड, मैंने आपको बताया था माचिस का तीली दे, चारों इसका साइड और ऊपर का और इसके नीचे का पेन दी, पूरा जो कुल क्षेत्रफल होगा इसका होगा टी एस ए टोटल सरफेस एरिया। तो इसका क्या फॉर्मूला है फ्रेंड्स, तो ये देखिए 2 LB + BH + HL। मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ है, उस पर हम हर टॉपिक उठाएंगे। देखिए 2 × 2 × का करने का मतलब इंटू मतलब गुना मल्टीप्लाई, एल कितना है हमारा, एल 6 सेंटीमीटर है, 6 लिख देंगे, बी कितना है अपने इंटू का चीन होगा माने मल्टीप्लाई का 6 × अब कितना है बी, कितना है 4 है, उसका एड कर देंगे, उसका फिर बी कितना है 4 है, एच कितना है इंटू करके 2 प्लस फिर उसका एच कितना हमारा 2 है और इंटू का देकर फिर एल कितना हमारा 6 है, इसको पूरा हम इसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 24 + 4 × 8 + 6 × 12 हो गया। अब इसे आप ऐड कर दीजिए बॉक्स के अंदर, ये जो स्मॉल ब्रैकेट में जितना भी है उसे हम ऐड कर देंगे, तो 12 और 8 = 20 और 24 = 44। ब्रैकेट खत्म भी कर सकते हैं, बाद में खत्म कर देंगे इसको, ब्रैकेट को हटा देंगे, तो 2 × 44 यानी कि 44। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए 44 × 88, तो ये जो हो गया हमारा 88 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो बक्से का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अगर नापना होगा आपको अगर बक्से का सूटकेस का, तो ऐसे यही ट्रिक पर यही फॉर्मूला पर बैठा के एक सेकंड आप इसको आंसर जान सकते हैं, तो कितना लंबा है कितना चौड़ा है और उसे करके इस पर हम बिठा देंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 88 सेंटीमीटर जाएगा इसका कुल क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स आइए फिफ्थ क्वेश्चन की जाते हैं, पांचवा क्वेश्चन। तो आइए फ्रेंड्स हम अपना पांचवा क्वेश्चन देखें, फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा क्या करा है, पोखर कि किसी घनावाकार पोखर की लंबाई, तो आप लोग तो पोखर देखे ही होंगे, पोखर जो स्विमिंग पूल जिसको कहते हैं, स्विमिंग पूल और पोखर वही तो है, पोखर जिसमें मछली जो मतलब रखा जाता है, मछली पलाता है, पालतू जो होते हैं मछली को पाला जाता है उसमें, उसी पोखर जो है ननके सब क्या करेगा कि पोखर में जाकर निहाने, तो कहाँ जा रहा है, तो पोखरा में निहाए, क्या करेगा कि है इतना गो अब पोखरा इतना गो जाकर मैं घुपसीना गिर कर डूब जाएगा, अलबला इत रहेगा, तो हम कैसे जानेंगे कि पोखर की गहराई कितना है तब ना हो में जाएंगे, तो वही यहाँ पर आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालना है, तो पोखर की जब गहराई जान लेंगे कितना वो गहरा है कितना पानी है तो अंदर जाएंगे तो उसमें डूबेंगे नहीं, और ज़्यादा हुआ तो नहीं जाएंगे, तो वैसे वही जो है उसको हम कैसे जानेंगे, तो उसके लिए ही ऐसा ही क्वेश्चन है, उस पर आप उसको जान सकते हैं। तो क्या है मेरा क्वेश्चन कि किसी घनावाकार पोखर की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें यानी कि वॉल्यूम यानी कि गहराई, उसमें कितना कैपेसिटी है, उसके पानी कितना आने का, उसका कैपेसिटी कितना है पानी हटाने का, तो उसमें हम जाएंगे तो नहीं डूबेंगे, नहीं जानेंगे कितना गहरा है, जाके घुपसीना नीचे चल जाएंगे, अलबलाइत रहेंगे, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई बचाने वाला होगा ही नहीं, तो वही पहले इसको जान लीजिए। तो क्या करा है हमारा कि घनावाकार पोखर का जो है आयतन कितना है, तो एल इंटू बी, तो आपको तो एल और बी को दिमाग में एडजस्ट कर लेना है, और एल और बी उसमें ए जोड़ दीजिए इसका आयतन निकल जाएगा, थोड़ा भी दिक्कत नहीं है, एकदम सोल्व बहुत ही सही तरीके से निकल जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, और इसी पर इसको बैठा देना है, तो हमारा एल कितना है 10 मीटर,
इंटू बी कितना है 5 मीटर, इंटू एच कितना है हमारा 4 मीटर, 4 मीटर। अब इसको घड़ाई नाप लीजिए, 5 चौके 20 और 20 दहाई 200 मीटर क्यूब हो जाएगा इसका आयतन। अब गहराई जान गए, अब उसमें 200 मीटर का गहराई है कि 200 मीटर आप जानते हो कितना गहरा होता है, उससे कम होगा अगर मान लीजिए थोड़ा मीटर कम होगा गहरा होगा तो उसमें जाएंगे आराम से निहा के पोखरी में चलेंगे, और ज़्यादा गहरा होगा तो घुपसा नीचे जाएंगे अपने तरफ़ रहेंगे, कोई नहीं बचाने वाला होगा आपको नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा जो है पाँचों फार्मूला पर आधारित 5 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिया। फ्रेंड्स ऐसे ही मैथ के वीडियो देखने के लिए हमारे ऑल अंडर चैनल 1 2 3 4 पर आके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर